शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी आगामी तारीख में यहाँ पे कुबेरेश्वर रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला है कुबेरेश्वर धाम पे। तो ये वाला जो रोड बना नहीं था, ये रोड पूरा बन रहा है और अभी तीसरा गेट चालू है। पहला और दूसरा दोनों गेट बंद हैं और ये रहा कुबेरेश्वर धाम। ये पूरा रोड बन रहा है, क्योंकि ये पूरा रोड बना नहीं था तो इस बार कुबेरेश्वर धाम पे रुद्राक्ष महोत्सव पे आप लोगों को अला रोड बना मिलेगा। अभी कार्य प्रगति पर है, चल ही रहा है कार्य और उधर है कुबेरेश्वर धाम। तो अभी चलते हैं अपन कुबेरेश्वर धाम। आज संडे का दिन है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, और ये कार्य भी चल ही रहा है रोड बनने का। और वो रहा कुबेरेश्वर धाम और यहाँ पर होएगा रुद्राक्ष महोत्सव, क्योंकि ये पूरी जगह बन रही है और यहाँ रोड भी बन रहा है तो यहाँ से बहुत आसानी होगी भक्तों को आने में। मेन रोड पूरा खुदा पड़ा है और पहले तो होटलें भी नहीं थी, अब तो होटलें भी बहुत सारी बन रही हैं। तो लगभग 7 मार्च तक ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ रोड भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और वो रहा हमारा कुबेरेश्वर धाम। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। तो पहले वाला गेट चालू था और अब ये वाला गेट चालू कर दिया, वाला गेट बंद करके। और पब्लिक आप देख सकते हैं, अभी तो रुद्राक्ष महोत्सव चालू भी नहीं हुआ है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, भयंकर पब्लिक है। और इसी वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, कहाँ रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बार जगह चेंज कर दी गई है। और कुबेरेश्वर धाम समिति ने जगह बहुत अच्छी करी है और व्यवस्था इस बार बहुत अच्छी करी गई है। श्री शिवाय नमस्तु। थाना अधिकारी। और ये रहा कुबेरेश्वर धाम का। आज संडे का दिन है तो पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है। और शिवलिंग का कार्य तो पूरा हो चुका है, शिवलिंग पूरा बन के कंप्लीट हो चुका है और ये वाला ये भी पूरा बन के कंप्लीट हो गया है। मतलब थोड़ा कुछ बचा है, जो ऊपर की गुम्बद जुम्मद बची है। और ये रहा हमारा कुबेरेश्वर धाम। रुद्राक्ष महोत्सव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और ये आप देख रहे हैं अभी रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारी चल रही है और ये रोड बनता हुआ आ रहा है जो कि जाएगा मेन द्वार तक, 1 नंबर 2 नंबर गेट तक कुबेरेश्वर धाम की गेट जाएगा। और अभी चल के आगे का व्यू दिखाते हैं। यहाँ रोड आधा ही कंप्लीट हुआ है अभी, तो रोड ये बनता हुआ आया है तो यहाँ तक ये 2 नंबर गेट तक ये रोड बनता हुआ आ गया है। और ये रहे कुबेरेश्वर महादेव। और ये बन रहे हैं यहाँ पे होटल्स, होटल्स इस बार अच्छी सुविधा है होटल्स की। ये यहाँ पे होटल बन रहा है, ये होटल बन रहा है, ये होटल, मतलब सब कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग जब भी यहाँ पर आएंगे रुद्राक्ष महोत्सव में तो आपको सारे होटल्स तैयार मिलेंगे। तो आप चलते हैं अंदर मंदिर के। और रुद्राक्ष पटना यहाँ पर बंद हो चुके हैं 15 तारीख से, जैसा कि इस कथा में बोला जा रहा था कि 15 तारीख से रुद्राक्ष पटना बंद हो जाएंगे। और इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष पटना नहीं मिलेंगे, बटने को नहीं मिलेंगे, रुद्राक्ष नहीं मिल पाएंगे इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में। अभी तो काम चल ही रहा है और ऐसा कुछ व्यू है कुबेरेश्वर धाम का। यह मंदिर का प्रांगण जहाँ पे कथा का व्यासपीठ है, जब यहाँ पे कथा चलेगी वो यहाँ पे अंदर चलेगी कथा। ये जो आप देख रहे हैं ये है पंडित प्रदीप जी मिश्रा का व्यासपीठ, यहाँ से बैठकर कथा वाचते हैं मिश्रा जी।
इस बार भोजन प्रसादी का भी अच्छा बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पूरी रोटी बेलने की सारी मशीनें आई हुई हैं इस बार, और पूरा सब खाना वाना सब पूरा व्यवस्थित मिलेगा इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में। तो ये रही मुरली मनोहर गौशाला, चलते गौशाला के अंदर। रही गौशाला मुरली मनोहर गौशाला।